आज हम आपको पीनट बनाना सिखा रहे हैं, पीनट मसाला वो भी चटपटा। ये देखना प्याज ऐसे काटना है, ऐसे करके और फिर ऐसे ऐसे। अगर आपको लगता है कि मोटा हो रहा तो यहाँ से एक बार चाकू से ऐसे और कर दें। अब ये और बारीक कटेगा। ये हमने प्याज चॉप कर लिया पीनट मसाला के लिए। अब ये हमने ये शिमला मिर्ची लिया, इसे भी बारीक काटें। ये ऐसे करके शिमला मिर्ची को बारीक काटें। ये हमने शिमला मिर्ची काट लिया। ये हरी मिर्च काटें। अगर हमें लगता हरी मिर्च हमसे मोटी हो रही तो बीच में इसे ऐसे करके फाड़ लें, जिसके दो हिस्से हो गए। दो हिस्से हो गए इसमें यूँ करें, यहाँ से ये छोटा भी हो गया। अब इसे ऐसे काटें, जल्दी होगा। ये देखिए ये जो मिर्ची है ये और बारीक भी है और जल्दी भी होगा। इस मिर्ची को हमने यहाँ मिला लिया, एक मिर्ची और काट दे रहे हैं। इसे भी ऐसे ही फाड़ना है बीच से और यहाँ से करके और इसे ऐसे कटिंग करना है। ये रहा मिर्ची, ये मेरा काट कटिंग हो गई। लगाओ फिर एक कट और ऐसे लगा दो, ऐसे पकड़ो इसे, हाथ को यूँ करके रखो। ये हमने धनिया काट दिया। ये हमारी धनिया की कटिंग हो गई। ये हमने टमाटर ले लिया। टमाटर को ऐसे कटिंग लगाना है और इस तरीके से इसे करना है। ये हमने टमाटर काट लिया। ये हो गई हमारी कटिंग। प्याज लिया, प्याज एक बाउल में हम डाल लिया। फिर शिमला मिर्ची हमने डाल लिया, ठीक है। फिर ये शिमला मिर्ची और ये हरी मिर्च जो नहीं है इसे भी इकट्ठा कर लिया इसी में बॉल में। और फिर हमने ये डाला टमाटर बॉल में। ये टमाटर हो गया बॉल में और ये हरी धनिया। ये हरी धनिया डाल दिया बॉल में और पीनट भी डाल दिया इसी बॉल में। अब थोड़ा नमक हिसाब से मिलाना है इसमें। ये रहा नमक, इतना चाट मसाला लेना है और थोड़ी सी मिर्ची।
ये लाल मिर्च है, इसे भी हमने थोड़ा सा ये लिया है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि मिर्च लाल वाली मिर्च एक उठो वैसी में लाल मिर्च होती नुकसान करती, खाने में दिक्कत करता है। ये हमने टमाटर केचप लिया, इसे ऐसे मिलाना है, इसमें मिला दिया, इसे यूँ करके अब इसे मिक्स करो। ये मिक्स हो गया, अब इसमें नींबू नचोड़ो, ये कटिंग कर लिया, इसके भाग ये हो गए, इतना नींबू ऐसे करके हिसाब से नचोड़ो। ये आपका चटपटा पीनट मसाला तैयार हो गया। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखना ऐसे डालना है इसे, इसी तरीके से एक कटिंग हमने यहाँ से कर दिया, ये साइड हमने कर दिया इसे, और इसे यहाँ से ले लिया, अब बीच में से दो कर दिया खीरे को, खीरे को हमने दो दिख कर दिया, अब इसे काटना है खीरे को। ये हमने खीरे को काट लिया, अब इसे प्लेट के साइड साइड में खीरे के डेकोरेशन करना है। एक टमाटर भी ले लिया, बीच से दो हिस्सा करा, अब इसे ऐसे काटना है, इसे भी टमाटर को भी। ये टमाटर को हमने काट लिया, अब खीरा लगाया, अब इसके बाद बीच बीच में हमें टमाटर भी लगाना है, ऐसे लगाना है और खीरे को ऐसे लगाना है, प्लेट में ऐसे लगाना है इसे। इसे ऐसे लगा देना है, ये हमारा पीनट मसाला तैयार हो गया है। आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।